Ay, padre, ¿dónde? No. मेरी चलानी है। साल नहीं चूं, जाओगी, हैं? एडमिनिस्ट्रेशन से ये गुजारिश करूंगा आपके माध्यम से कि ऐसे हालात में जो है आप बाजार बंद कर देते हो या आप दुकानें मार्केट पे असर पड़ता है, लोगों को एक अफरा तफरी फैलेगी जिसमें ये भी हो सकता है कि राशन की कमी आ जाए, सब्जी की कमी आ जाए, दूध की कमी आ जाए, बाकी जो चीज़ें खाने के एसेंशियल कमोडिटी की जो कमी आ जाए, तो उसमें भी एडमिनिस्ट्रेशन को पॉजिटिव स्टेप लेना चाहिए। पहले ही सोच के ही प्लान बनाना चाहिए कि लोगों को राशन कैसे पहुंचाया जाएगा। आप किसी को घर में बंद कर देते हो, ट्रांसपोर्ट बंद कर देते हो, तो वो वहाँ सौदा कैसे खरीदेगा? तो उसको जो है वो सबसे बड़ी बात है कि डिस्टर्ब को इस पर पहले सोचनी चाहिए ताकि इंतजाम किया जाए कहाँ कहाँ हर गाँव में हर जगह तभी वहाँ से अपना राशन। इस बारे में जिला इंतजामिया का हम शुक्रिया अदा करते हैं, खासकर आवाम पुंछ जो है ये बड़े कंजेस्टेड इलाका है पुंछ बाजार का और इसके आसपास जो सराउंडिंग जो एरिया जाते हैं, इसमें कुछ स्टेप जो जिला इंतजामिया ने लिया है ये बहुत अच्छा स्टेप है और काबिल मुबारक है। इसके साथ साथ हम ये भी कहना चाहते हैं जो एक और स्टेप लिया है इन्होंने कि मेन चौक जो हैं या पार्क जो हैं वहाँ पर पानी की वो सप्लाई रखी जाए जहाँ पर लोग आते जाते हाथ धोएँ मुँह साफ करें, और इसके साथ साथ ये जो जहाँ जमकर लोग जमा होते हैं 50, 20, 40, 30 या जितने भी लोग ज़्यादा से ज़्यादा जमा हो वो ना हो, ये स्टेप जो लिया गवर्नमेंट ने अच्छा लिया। और साथ ही मैं ये भी कहूँगा कि ज़िला इंतजामिया ने जो ये होटल्स ढाबे और ये दुकानें जो बंद करवाई हैं इसमें भी ये वायरस जो है वो खतरा है फैलने का, क्योंकि यहाँ पर सफाई का इतना एहतमाम नहीं हो सकता है। इसके लिए हम बहुत शुक्रिया अदा करते हैं ज़िला इंतजामिया का, खासकर ज़िला कमिश्नर जनाब राहुल यादव साहब का, जिन्होंने बहुत अच्छा स्टेप लिया और हर वक्त ये फैसला लिया कि जो जो लोग घरों से बाहर निकलते हैं किसी मजबूरी की वजह से, किसी को दफ्तर में कहीं काम है, किसी को बाज़ार से कुछ खरीदना है, तो इसके लिए एहतियात बरतनी ज़रूरी है। बिल्कुल ही बंद अगर ट्रांसपोर्ट किया जाए तो ये थोड़ी सी प्रॉब्लम बनेगी, लेकिन अगर इसमें एहतियात बरती जाए तो ज़्यादा लोग बिला वजह बच्चे बुजुर्ग औरतें ये लोग जो ज़रा इकट्ठे चलते थे पहले, और ये कुछ इस पर थोड़ी सी अगर नज़र रखी जाए तो भी अच्छा रहेगा। अस्पताल में भी जो मुझे ख्याल नहीं रहा, अस्पताल में भी जो इंतजाम रखा गया आजकल चेक करके उनको गेट से अंदर किसी को किया जाता कोई बीमार है उसके लिए अस्पताल इंतजामिया ने भी अच्छा कदम स्टेप लिया है, वो भी चेक करते हैं। और ख़ासकर ये हिदायत जो है ये जिला तरक्याती कमीशन जनाब राहुल यादव की तरफ से है, उन्होंने ही ये स्टेप लिया है और प्रकाश मेयर की ऐसा कदम बहुत ज़रूरी था, इसकी अहम ज़रूरत।